सो गाइस स्वागत है आपका यूनिक गेमिंग की एक नई वीडियो में। सो गाइस आज की वीडियो जो मैंने काफी मेहनत से बनाई हुई है और मैंने पूरी कोशिश की है कि भाई आपको बता सकूं कि भाई आप अपने मूवमेंट्स को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं और काफी अच्छे मूवमेंट्स जो अपने फ्री फायर गेम प्ले में दिखा सकते हैं। तो गाइस ये बात तो बिल्कुल सच है कि भाई प्रैक्टिस से आपके मूवमेंट काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, लेकिन हाँ भाई ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि भाई सिर्फ प्रैक्टिस से होंगे। गाइस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती हैं जो फॉलो करनी होती हैं जिसके आपके मूवमेंट काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और ये अगर टिप्स भाई मैंने इसमें पूरी कोशिश की है मैं आपको सब बता सकूं, ठीक है। तो पूरी वीडियो को जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस जो फर्स्ट टिप है ना वो है फर्स्ट सेट और कस्टम हुड। अब भाई ये मेरी कुछ कस्टम हुड है तो भाई मैं आपको बता दूं बिना कस्टम हुड के आप अपना गेम प्ले क्या, आप मूवमेंट्स क्या, आप अपना गेम प्ले भी नहीं सुधार सकते, ठीक है। तो एक परफेक्ट कस्टम हुड होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो गाइस आपको एक ऐसा कस्टम हुड सिलेक्ट करना है जो आपके गेम प्ले को सूट करे, ठीक है। मतलब आप जैसे कि ये देखो जंप का बटन है, ये बैठने का बटन है, फायर का बटन है, तो आप जल्दी जल्दी उसको टैप कर सको, जल्दी जल्दी उस पर मूवमेंट कर सको, ठीक है। जब आपके हाथ ही सेट नहीं होंगे तो भाई क्या आप मूवमेंट करोगे, क्या आपका गेम प्ले होगा, ठीक है। तो एक बेस्ट जो है कस्टम मोड सिलेक्ट करो, ये मेरी कस्टम मोड हो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो, ठीक है। अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो मेरी भी सिलेक्ट कर सको। सो गाइस जो सेकंड चीज है वो है कैरेक्टर स्किल्स फॉर मूवमेंट। अब गाइस कुछ कैरेक्टर स्किल्स हैं जो आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, जो मैं पर्सनली यूज भी करता हूँ और गाइस उससे आपके मूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको लेना है जोसेफ, ठीक है, जोसेफ जो अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी डैमेज देगा तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये तो सिर्फ मैं यूज करता हूँ, मेरे सारे कैरेक्टर खुले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लगानी है कैली, भाई कैली तो होनी चाहिए और कैली भाई फ्री में मिल रही है तो भाई आप ले सकते हो, ठीक है। तो कैली होगी तो आपके मूवमेंट काफी ज्यादा जो इंक्रीज हो जाएंगे। और जो थर्ड मैं यूज करता हूँ उससे आपको जरूरत है, अगर लेना है तो ले लो, वो है गाइस जो है मैं हयाटो यूज करता हूँ, ठीक है, और फिर गाइस डीजे आलोक यूज करता हूँ। तो गाइस मेरे मूवमेंट इससे काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, लेकिन कैली तो आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप अच्छे मूवमेंट करना चाहते हो, ठीक है। गाइस अब जो थर्ड टिप है ना वो है हैंडल 100% सेंसिटिविटी फर्स्ट। तो गाइस ये देखो आपकी जो जनरल है ना उसको आपको 100 कर देना है, फिर आपको मूवमेंट करने हैं तो गाइस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको आपके मूवमेंट इतने अच्छे करने हैं ना कि देखो आप अगर भागोगे ना तो एकदम से आप 360 घूम सको। देखो मैं भाग रहा हूं और मैं एकदम से 360 घूम रहा हूं, ये देखो इस तरीके से। फिर आप फायर करोगे ना तो आपके मूवमेंट काफी ज्यादा इंक्रीज होंगे और आप एक प्रो प्लेयर की तरह जो है फायर कर पाओगे। देखो आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से 100% सेंसिटिविटी पे। गाइस जो लोग कम सेंसिटिविटी पे खेलते हैं ना वो 360 राउंड नहीं कर पाते। तो गाइस ये चीजें आपको फॉलो करनी है, कुछ बेसिक्स हैं यार, तो आपको अभी बोरिंग लग रहे होंगे लेकिन ये बेसिक्स हैं। सो गाइस जो थर्ड टिप है वो है शूट एंड रन। सो गाइस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसका एग्जांपल देता हूँ, ये मैं इसमें घर में गया, इसमें बंदा बैठा हुआ था और ये देखो मैं इसको शूट किया, भागा, फिर मैंने इसको मारा और गाइस ये देखो फिर रन करूंगा। इससे बंदा आपको डैमेज दे ही नहीं पाता है, ठीक है, और फिर आपका खुद को इसने मेरे को डैमेज बिल्कुल भी नहीं दे पाया और ये मर गया। अब गाइस इसको परफॉर्म कैसे करते हैं तो मैं इसको अपने हैंड कैम के साथ दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, और इसमें हेड पड़ा। तो गाइस आप इसको बिल्कुल स्लो मोशन में देखो मैं कैसे करता हूँ। मैंने गन स्विच की, इसमें एक मारा, फिर मैंने रन का बटन दबाया, फिर मैंने गन स्विच की और ये देखो ड्रैग कर दिया ये हेड। तो गाइस इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, गाइस इससे आपके मूवमेंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और गाइस सामने कितना भी अच्छा बंदा हो वो आपके मूवमेंट को झेल नहीं पाएगा अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की, और गाइस आप उसको आसानी से मार दोगे, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस से आ जाएगा, इसलिए मैंने हैंड कैम भी डाला हुआ है, ठीक है। तो गाइस जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो है फोकस ऑन एवरी मूवमेंट ऑफ योर एनिमी, ठीक है। तो गाइस इस पर काफी लोग कम बात करते हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एवरी सब प्लेयर इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। ये देखो इस टीम को मैंने मान लो इन स्क्वायर से मेरी जब लड़ाई हो रही थी तो मैं सारे प्लेयर्स पे जो देखो सारे प्लेयर्स को देख रहा था कि सारे प्लेयर्स का मूवमेंट कहाँ पे है, कौन किस जगह है, कौन कब, देखो अब मैं घर में जाऊंगा तो मैंने सबको देख लिया ये देखो, और सबकी नजरों से बचते हुए मैं ऊपर चला जाता हूँ और सबको खत्म कर देता हूँ। तो गाइस मूवमेंट दिखाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई आप मूवमेंट कर रहे हो वो सही है कि नहीं, आप जिस डायरेक्शन में स्प्रिंट कर रहे हो, रन कर रहे हो, वो सही है कि नहीं। तो गाइस बिना मतलब की मूवमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। तो गाइस मूवमेंट अगर आप कर रहे हो तो ये आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो गाइस मैं अगली वीडियो लाऊंगा ना उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वाड कैसे खत्म करें पूरी स्क्वाड, तो गाइस उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, और मूवमेंट करने का सही तरीका कब होता है। गाइस
फालतू में मूवमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। कोई अच्छा प्लेयर, ज्यादा अच्छा प्लेयर हुआ ना तो वो आपको मार देगा, बेशक आपकी मूवमेंट कितने भी अच्छे क्यों ना हो। ठीक है, तो सारी चीजों देखना पड़ता है, तो मैं वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। सो गाइस, जो लास्ट टिप है ना वो है गन स्विचिंग स्पीड। ठीक है, अब मैंने काफी लोगों को देखा है, मतलब मेरे साथ के ही काफी लोग हैं गाइस, वो गन को ऐसे करके भागते हैं, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, या फिर कभी किसी पर रश करते हैं तो इस तरीके से भागते हैं। तो भाई कभी भी गन लेके भागने से आपकी स्पीड 50% कम हो जाती है, तो ये तो भाई बिल्कुल गलत है। और इस तरीके से वो फायर करते हैं भाई, मुझे तो हंसी आती है। तो गाइस, अगर आप न्यू गेम में हो या फिर अगर आप आपकी लेवल काफी ज्यादा कम है, तो 100% आप ऐसे ही गन करके भागते हो। तो देखो, आपको ऐसे भागना है, भाग के आपको गन स्विच करनी है, इस तरीके से आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, जब भी आप किसी पर रश करते हो तो गाइस इस तरीके की स्पीड आपकी होनी चाहिए। वो कैसे करना है गाइस, उसके लिए आपको भागते में मतलब भागने का बटन दबाना है और गन का बटन दबाना है, फिर वो मुक्का वाला जो बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो गन आपकी अनस्विच भी हो जाएगी इस तरीके से। प्रैक्टिस करो, ज्यादा नहीं, ये चीज आपको सिर्फ 10 मिनट में आ जाएगी। अगर आप बिल्कुल भी नहीं खेल पाते ना, फिर भी आपको ये चीज 10 मिनट में आ जाएगी। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस, ये जो मूवमेंट की वीडियो है ना भाई, ये बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है भाई, और इसके आगे मैं और भी टिप्स आपको देता रहूंगा गाइस, आपको एक बिल्कुल प्रो प्लेयर बना के छोड़ूंगा। तब तक के लिए बाय।